गाइज हमें सिग्नल मिल चुका है, 2 सेकंड मैंने रीड भी कर लिया ग्राफ को कि क्या डायरेक्शन होने वाली है और अब मैं अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले रहा हूँ और हमारी जो अमाउंट है वो है $100 का, टाइम जो है वो है 4 मिनट का। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। मैं अरविंद सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ हम सबके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल अफी। गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिल विलियम्स फ्रैक्टल्स स्ट्रेटजी, जहाँ पे हम जाएंगे कस्टमाइज्ड इंडिकेटर्स के साथ, मतलब वैल्यू जो है वो कस्टमाइज्ड है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि विच इज़ द बेस्ट टाइम फ्रेम टू यूज़ दिस स्ट्रैटजी, क्योंकि मैंने सारे टाइम फ्रेम्स यूज़ करके देखे हैं प्रोबेबली, और वहाँ पे जो बेस्ट टाइम फ्रेम है जहाँ पे हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और बेस्ट टाइम पीरियड है वो भी मैं डिस्कस करूँगा। इस स्ट्रैटजी के लिए मैंने थंबनेल पे यूज़ किया है रीड ग्राफ बिफोर 2 सेकंड्स, मतलब 2 सेकंड पहले भी आप ग्राफ को रीड कर सकते हो। ये मैंने क्यों यूज़ किया और इसका मतलब क्या था, क्योंकि जैसे ही आपको सिग्नल मिलेगा ये 2 सेकंड का क्या माजरा है ये भी मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर। बट ट्रस्ट मी, एक चीज आपको जरूर बता देता हूं, ट्रेडिंग के अंदर आपको कोई भी 100% एक्यूरेसी प्रोवाइड नहीं करेगा। इफ समवन प्रॉमिस यू कि आपको कोई 100% एक्यूरेसी दे रहा है, इट मींस कि वो बंदा सही नहीं है। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना होता है। अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते हो अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट, तो ही इस मार्केट में आप कुछ कर पाओगे। अगर आप एक्यूरेसी के पीछे भागोगे ना, तो इन द एंड यू विल गेट 0। आप अपना जितना भी पैसा है वो सारा खर्च कर दोगे यहाँ पे और मिलेगा आपको कुछ भी नहीं, इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बहुत सालों से मैं लोगों को समझा रहा हूं कि दोस्तों यहां पे एक्यूरेसी के पीछे मत भागो, जस्ट फॉलो अ प्रॉपर प्लान। और प्लान बनाना मुश्किल बात नहीं है यार, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है ना, चाहे $10 है, 50 है, 100 है, कितनी भी इन्वेस्टमेंट है आपके पास, अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि हर एक ट्रेड आपको कितने डॉलर्स के लेनी है, एक दिन में आपको कितना प्रॉफिट लेके बुक करके बंद करना है। ये सारी चीज़ें आपको बनानी है, आपको ये सारी चीज़ें का फोकस रखना है, ध्यान रखना है। ये चीज़ें कोई आपके लिए करेगा नहीं दोस्त, ये चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग टू अपने प्लान करना है, अपने अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए करना है। तो ट्रस्ट मी, आप एक प्रॉपर प्लानिंग करो, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक सिग्नल आईटीएम नहीं मिलने वाला है, आईटीएम मतलब विनिंग नहीं मिलने वाला है। आप लॉस जो सिग्नल है ओटीएम सिग्नल भी लेके आओगे, और ओटीएम सिग्नल लेके आने के बाद ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें खत्म हो गई है, आपके अकॉर्डिंग टू आपके प्लान आप उसको मैनेज कर सकते हो। अगर आपके पास एक प्लान नहीं होगा ना, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को जीरो कर दोगे। एक्यूरेसी के पीछे भागने से कुछ नहीं होता है, ट्रस्ट में इतने सालों से मैंने यही चीज जो है वो सीखी है कि एक्यूरेसी के पीछे भागने से कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। सो गाइस, पहली जो ट्रेड है वो हम विन कर गए हैं। तो सबसे पहले अब मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से इंडिकेटर हम हमारे जो चार्ट है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आप एक मोबाइल यूजर हो तो ही ये स्ट्रेटजी यूज कर पाओगे, अगर आप वेब यूजर हो तो भी आप ये स्ट्रेटजी अपने चार्ट पे अप्लाई कर सकते हो। इंडिकेटर वाला जो ए लिखा है उस पर मैंने क्लिक किया, नीचे इंडिकेटर्स का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। यहां पे मिल जाता है बिल विलियम्स फ्रैक्टल्स स्ट्रेटजी, देखेंगे आप। तो यहां पे जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं, एक चीज बता देता हूं, ये जो टाइम पीरियड है ये कस्टमाइज्ड है। आपके पास ये टाइम पीरियड आएगा 5, जैसे ही आप इसे ओपन करोगे ना, तो सबसे पहले आपके पास टाइम पीरियड 5 लिखा हुआ आएगा, 7 नहीं लिखा हुआ आएगा, आपको इसे 7 कर देना है। देखिए ऐसे प्लस माइनस के जो है उस पर क्लिक करके आपको इसको 7 कर देना है, उसके बाद आपको इसको अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप इसे अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको अप्लाइड में लिखा हुआ आ जाएगा, एडिट टू द चार्ट। उसके बाद यहाँ पे आप जाके चैट पे इसे देख सकते हैं, कुछ एरो के निशान से आप देख पा रहे हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे 2 तरीके के सिग्नल्स आपको लेने हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो ये किस तरीके से आपको मिलेंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले 2 सेकंड का जो फंडा है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। देखेंगे जैसे ही आपको एरो मिलता है अपवर्ड डायरेक्शन में, और एरो कब मिलेगा ये तो दिमाग से आप निकाल ही दीजिए कि तुरंत आपको एरो कोई मिलेगा। आपको एरो मिलेगा 3-4 कैंडल्स के बाद, मतलब कहने का मतलब है अगर आप 3री-4थी कैंडल पे होंगे ना, नेक्स्ट 3री-4थी कैंडल पे, तब जाके आपको एरो जो है पीछे मिलेगा। देखो आपको लाइव एग्जांपल मैं दिखा दूंगा, अभी एक हमें जब भी इंडिकेशन मिलेगा तो मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूं इसका। पहली बात, जो लोग कहते हैं रीपेंट और नॉन रीपेंट, तो भैया ये जो है नॉन रीपेंट नहीं है,
मतलब रीपेंट है, सिंपल सी बात है। मतलब यहाँ पे ये एरोज जो है वो चेंज होंगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है देखेंगे, जैसे ही आपको एरो मिलता है उसके बाद आपको 2 सेकंड का, 2 सेकंड का एक एक टाइम मिलेगा, उस टाइम के बाद आपको ट्रेड लेनी है। वो जो 2 सेकंड है उसमें आपको एक चीज़ एनालाइज करनी है। क्या एनालाइज करनी है कि जैसे ही आपको एरो मिला, एरो मिलने के नेक्स्ट 3 या 4 कैंडल किस डायरेक्शन में है, जिस भी डायरेक्शन में होंगे उससे उल्टी ट्रेड आपको लेनी है, यानी उल्टी डायरेक्शन में। एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ, ट्रस्ट मी वीडियो में मज़ा ज़रूर आएगा, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। यहाँ पे जैसे ही आपको कोई सिग्नल मिलता है, जैसे ही मुझे ये सिग्नल मिला, तो ये सिग्नल मिलने के बाद मुझे 3 कैंडल दिख रही है रेड, ठीक है, रेड कलर की 3 मुझे कैंडल दिख रही है, तो मुझे अगले 4 मिनट के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। गॉट इट। अब ये जो 4 मिनट का फंडा है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। 4 मिनट, ये जो टाइम है 4 मिनट, ये बहुत मेहनत करने के बाद आया गाइस, क्योंकि यहाँ पे हर एक टाइम फ्रेम मैंने चेक करके देखा है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, इवन 15 मिनट्स तक, लेकिन कोई भी टाइम में इतनी एक्यूरेसी नहीं है जितनी 4 मिनट में मुझे मिली। तो ट्रस्ट मी, ये जो वीडियोज़ मैं लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, ये बहुत रिसर्च्ड बेस्ड होती है। हालांकि कई लोगों के लिए स्ट्रेटजीज काम करती हैं, कई लोगों के लिए नहीं करती हैं। तो अगर कोई स्ट्रेटजी आपके लिए काम नहीं कर रही है, इट मींस कि वो मार्केट को दैट पर्टिकुलर टाइम पे सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ट्राई आफ्टर सम टाइम, स्ट्रेटजीज ज़रूर काम करेंगी, लेकिन स्ट्रेटजीज काम करने के लिए ना, आपको मैंने पहले ही बताया है, अगर आप स्ट्रेटजीज यूज़ करके पैसा कमाना चाहते हो तो एक प्लान ज़रूरी है। विदाउट प्लान यू कांट अर्न मनी फ्रॉम दिस मार्केट। तो अगर आपके पास प्लान है प्लस आपके पास एक स्ट्रेटजी है तो आप यहाँ से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। ये चीज़ अपने दिमाग में रखो। अब देखो, काफ़ी टाइम हो गया है, कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, जो कि मैं चाह रहा था कोई लाइव सिग्नल आपको दिखाऊं। बट अगर आप देखोगे तो हर एक 5 या 6 कैंडल्स के बाद, जो कि एक एक टाइम फ्रेम में, मतलब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, हर 5-6 कैंडल्स के बाद एक हमें सिग्नल मिल रहा है। हालांकि काफ़ी लंबे टाइम से हमें कोई सिग्नल नहीं मिला है। यहाँ पे मैंने OTC पे क्लिक कर दिया है और मुझे अभी अभी सिग्नल मिला है। ओके ओके, एंड मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए $100 की ट्रेड प्लेस कर दी है। अब मैंने क्यों की है देखेंगे, मुझे जैसे ही सिग्नल मिला अपवर्ड डायरेक्शन का, एक एरो देख पा रहे हैं आप ऊपर की तरफ, जैसे ये मुझे एरो दिखता है, एरो जैसे ही मुझे दिखा, उसके नेक्स्ट 3 कैंडल की डायरेक्शन क्या है, ठीक है, 2 की है रेड और 1 की है ग्रीन, तो यहाँ पे मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दिया है। देखो यार गाइज, ये जो स्ट्रेटजीज है ना, यहाँ पे आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू नीड टू फाइंड और अ बेस्ट वे टू यूज दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज, क्योंकि यार मैं तो प्रैक्टिस कर चुका हूँ और मैं करता भी रहता हूँ स्ट्रेटजीज के ऊपर, मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ। क्योंकि अगर हम बिना स्ट्रेटजीज के जाते हैं ना मार्केट में, तो उसका मतलब ये होता है ना, अंधेरे में तीर छोड़ रहे हैं, हम तुक्के मार रहे हैं। लेकिन अगर वही चीज़ हम स्ट्रेटजीज के साथ करते हैं ना, तो हमारी जो एक्यूरेसी है ना, वो किसी हद तक बेटर हो जाती है, मतलब काफ़ी हद तक अच्छी हो जाती है। तो मैं आपको हमेशा से यही सजेस्ट करूँगा कि कोई स्ट्रेटजी के साथ जाओ आप, विदाउट स्ट्रेटजी मत जाओ। आपको बोरिंग लगेगी स्ट्रेटजीज, आपको ये लगेगा कि क्या है यार, मतलब क्यों मैं स्ट्रेटजी यूज़ करूँ, इससे अच्छा तो मैं तुक्का मार के ही कर लूँगा। तो भाई ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो, तुक्के से आप कुछ खास नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट में। मतलब अब कोई कोई तुक्के लग भी जाएंगे, कोई नहीं भी लगेंगे, मतलब ऐसा ही कुछ सीन रहेगा। एक काम करते हैं ना, कोई और चार्ट ओपन करते हैं। अभी तक हम दोनों ट्रेड ऑलमोस्ट प्रॉफिट में चल रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम नहीं ले सकते 5 मिनट से कम ट्रेड, तो मैं जाता हूँ USDCGF OTC पे, एंड यहाँ पे हम वेट करेंगे हमारे सिग्नल का, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है यहाँ पे हमें लाइव सिग्नल देखने को ज़रूर मिलेगा। ओके, तो मैं देखता हूँ क्या है भैया सीन हमारा। तो चले, अभी तो पूरे पूरे 2 मिनट टाइम बाकी है गाइज। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और भी लंबी जाने के चांसेस है, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हो तो बहुत कुछ सीखोगे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से। और अगर आप भी काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग में हो तो आपको भी समझ आएंगी चीज़ें कि कैसे हम यहाँ से 2 सेकंड पहले ग्राफ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये 2 सेकंड का जो वर्ड है मैंने यूज़ किया है, सेंटेंस यूज़ किया है कि रीड ग्राफ बिफोर 2 सेकंड्स, ये सिर्फ काइंड ऑफ अ क्लिक बेट नहीं है,
ये मतलब इस तरीके से है, अगर आप इस स्ट्रैटजी पे टाइम इन्वेस्ट करोगे ना, इफ़ यू विल इन्वेस्ट योर टाइम विद दिस स्ट्रैटजी, देन यू विल गेट टू नो कि मैंने दो सेकंड क्यों लिखा है। क्योंकि जैसे ही आपको एक सिग्नल मिलता है, लाइव सिग्नल, जो कि अभी फिलहाल हमें मिल नहीं रहा है सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन जैसे ही आपको कोई एक लाइव सिग्नल मिलता है, उसके बाद आपको दो सेकंड की एक विंडो मिलती है। विंडो का मतलब टाइम मिलता है, वो दो सेकंड के टाइम के बाद आपको ट्रेड प्लेस करनी है। उस दो सेकंड में आपको ये चीज़ देखनी है कि आप ट्रेड डाउनवर्ड में प्लेस करोगे या अपवर्ड में प्लेस करोगे। अगर आपको सिग्नल अपवर्ड डायरेक्शन के लिए मिला है तो नो डाउट आपको डाउनवर्ड में ही ट्रेड लेनी है, लेकिन यहाँ पे आपको लास्ट थ्री कैंडल्स का, अब देखो यहाँ पे हमें सिग्नल मिल चुका है अपवर्ड डायरेक्शन का, तो हम 4 मिनट के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लेस करेंगे ट्रेड, और 2 सेकंड का विंडो भी मैंने ले लिया था। देखिए, अब मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि अगर हमारी नेक्स्ट 2-3 कैंडल्स जिस भी डायरेक्शन में है, उससे अब उससे उल्टी ट्रेड हमें लेनी है, लेकिन उसके जो केसेस है वो अलग बनते हैं। यहाँ पे मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड क्यों प्लेस किया 4 मिनट के लिए, क्योंकि हमें जो सिग्नल मिला है वो अपवर्ड डायरेक्शन का सिग्नल है, और उसके बाद जो सेकेंड कैंडल है वो ग्रीन में क्लोज हुई है। देखो सिनेरियो क्या बनता है, अगर आपके पास ना जो कैंडल्स हैं, नेक्स्ट 3 कैंडल्स हैं, वो तीनों एक ही कलर की कैंडल बनती है, मतलब अगर तीनों रेड कैंडल हैं, तीनों ग्रीन कैंडल हैं, उस केस में आपको क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करनी है। लेकिन अगर 3 कैंडल आपको अलग अलग डायरेक्शन में है, अगर एक ग्रीन में क्लोज हुई है, एक रेड में क्लोज हुई है, एक सेकेंड, लास्ट ट्रेड हम लॉस कर गए गाइस, कैसे लॉस किए, ओके, तो लास्ट ट्रेड जो है हम लास्ट के 2 मिनट में लॉस कर गए हैं, ओके, डजंट मैटर। तो मैंने आपको वही चीज़ बताई है कि यहाँ पे इस स्ट्रेटजी के साथ हम सारी ट्रेड्स विन नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि हम जितनी भी ट्रेड्स यहां पे इस स्ट्रेटजी के साथ लेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हम ज्यादा से ज्यादा ट्रेड्स विन करेंगे। और जो 2 सेकंड का विंडो है, वो वीडियो बना रहा हूं ना मैं, तो यहां पे मुझे डिफिकल्ट हो रहा है ड्यूरिंग दी वीडियो वो चीज करनी, प्रैक्टिकली करनी, लेकिन अगर आप वो चीज़ करेंगे अपने चार्ट के साथ, आपको तो वीडियो नहीं बनानी है, आपको किसी को समझाना नहीं है। इफ़ यू गाइज डूइंग दैट नाउ ऑन योर पर्टिकुलर चार्ट, तो यू विल गेट गुड रिजल्ट्स, ट्रस्ट मी, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, वो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो ये जो ट्रेड है ना, अब यहाँ पे आप देखोगे लास्ट ट्रेड हम 2 मिनट तक विन कर रहे थे, आफ्टर 2 मिनट्स ग्राफ जो है अनप्रिडिक्टेबल हुआ और हम जो लास्ट ट्रेड है वो लॉस कर गए। अब ये भी जो ट्रेड है, ये भी हम अभी हम फिलहाल की सिचुएशन में विनिंग में है, और हम नहीं कह सकते फर्दर सिचुएशंस के लिए कि क्या रिजल्ट्स रहने वाले हैं, मतलब आगे आने वाले टाइम में हम ये लॉस करेंगे ट्रेड या विन करेंगे, विकान से हम ये चीज़ नहीं कह सकते। तो इसीलिए अभी फिलहाल मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो ट्रेड है ये तो $100 की है, बट नेक्स्ट ट्रेड मैं लेने वाला हूँ $200 की, बिकॉज लास्ट जो ट्रेड है हम लॉस किए थे $100 की, तो इसीलिए नेक्स्ट ट्रेड $200 की लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 मिनट 30 सेकंड बाकी हैं, तो चलिए इस जो ट्रेड है इसको छोड़ते हैं और कोई और मार्केट पे जाते हैं एंड यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे भी अभी फिलहाल ही सिग्नल हमें मिला था, बट वी मिस्ड इट, सो हम किसी और पे जाते हैं, गोल्ड OTC पे जाते हैं, और मुझे प्रोबेबली ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा है कि यहाँ पे हमें लाइव सिग्नल देखने को ज़रूर मिलेगा, जैसे कि हमें पिछले वाले ग्राफ में देखने को मिला था। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो काफ़ी अपवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब काफ़ी ऊपर है, और अब इस डायरेक्शन में अगर हमें ट्रेड मिलती है तो यहाँ पे 2 केसेस पॉसिबल है, एक अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। अगर ये जो कैंडल है रेड में फिनिश होती है तो नो डाउट आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाना चाहिए, और अगर ये ग्रीन में फिनिश होती है और हमें नेक्स्ट कैंडल पे ही सिग्नल मिल जाता है तो आपको अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जाना चाहिए। ये जो चीज़ें हैं ये प्रैक्टिस के साथ आएंगी। तो यार एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है जहाँ पर मैं लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो सबसे पहले डाल देता हूँ, नहीं ज्वाइन किया ना तो अभी ज्वाइन कर लो। दूसरी जो चीज़ है वो ये कि अगर आप स्ट्रेटजी को यूज़ करना चाहते हो तो पहले आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो आप एक काम करो, डेमो अकाउंट पे स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस करनी है, और डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेमो पे इसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट्स कि आपको क्या करना चाहिए, मतलब आपको अपवर्ड में जाना चाहिए, डाउनवर्ड में जाना चाहिए, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी।
अंडरस्टूड, मतलब आपको टाइम फ्रेम का भी अंदाजा हो जाएगा कि आपके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है. यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द स्ट्रेटजी. यार एक चीज हमेशा याद रखो ना, स्ट्रेटजी यूज करने से पहले ना स्ट्रेटजी को जानना अच्छा होता है. यू नीड टू नो द स्ट्रेटजी फर्स्ट, उसके बाद आप उसे यूज करो. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रेटजी को जानना जरूरी है. एक बार आप उसे जान जाओगे ना, समझ जाओगे, यू नीड टू लव योर स्ट्रेटजी. आपको एक स्ट्रेटजी के ना, जैसे बहुत सारी होता है ना भाई, एक बंदा होता है बोलता है भाई आई फॉल इन लव विथ अ गर्ल, एक बंदी होती है बोलती है आई फॉल इन लव विथ अ बॉय. तो वही चीज है, यू हैव टू फॉल इन लव विथ एनी स्ट्रैटजी. अगर आप इस किसी स्ट्रैटजी के साथ ना वो बॉन्ड नहीं फील करोगे ना, यू कांट डू एनीथिंग. अभी लास्ट ट्रेड हम विन कर गए हैं, यू कैन सी. तो हमने तीन ट्रेड ली है, दो ट्रेड हम विन कर गए हैं. वो एक ट्रेड भी यार, मतलब मुझे लगता था विन करेंगे, बट मोस्टली कुछ प्रॉब्लम हुई, नहीं विन करें. तो यार एक चीज़ बताना चाहूँगा ना, यू हैव टू फील दैट बॉन्ड विथ योर स्ट्रैटजी. और वो कैसे होगा? वो होगा प्रैक्टिस के साथ. आपको पता है गाइस, जब भी मैं कोई स्ट्रैटजी टेस्ट करता हूँ आप लोगों के लिए, या मैं कोई स्ट्रैटजी के ना डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, टाइम पीरियड यूज करता हूँ, तो होता क्या है, आफ्टर अ सर्टन टाइम ऑफ पीरियड मुझे ये चीज समझ आने लग जाती है कि यार स्ट्रेटजीज कैसे रिएक्ट कर रही है, मतलब वो कैसे मार्केट को रिएक्ट कर रही है, कैसे चेंज हो रही है. तो यार एक चीज आपको बता देता हूं, किसी के भरोसे मत रहो. स्ट्रेटजीज आपको पता लग गई है, बेस्ट टाइम फ्रेम आपका भाई आपके लिए लेके आएगा, बेस्ट टाइम पीरियड आपके लिए आपका भाई लेके आएगा कि कितने टाइम फ्रेम पे आपको यूज करनी चाहिए. लेकिन स्ट्रेटजी जो है वो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी. विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते. मोस्ट ऑफ दी वीडियोस के नीचे मुझे कमेंट मिलते हैं, सर मैं स्ट्रेटजीज यूज कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, मैं लॉस में जा रहा हूँ, और मैंने आपकी स्ट्रेटजी यूज की, मैं लॉस में चला गया. दोस्त स्ट्रेटजी मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने जो टाइम पीरियड बताया, मैंने टाइम फ्रेम बता दिया, आपने उसे यूज किया एंड आप लाखों रुपए कमा लोगे. दैट्स नॉट लाइक, उस तरीके से नहीं होगा. वो स्ट्रेटजी आपको मैन्युअली आपके ग्राफ में ऐड करनी है, आपको चेक करना है कि आप सेम टाइम फ्रेम पे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे. इफ़ यू आर गेटिंग द गुड रिजल्ट्स विद द सेम टाइम फ्रेम तो बहुत अच्छी बात है, बट इफ़ यू आर नॉट गेटिंग गुड रिजल्ट्स तो आपको टाइम फ्रेम चेंज करनी पड़ेगी. आपको हल्के फुल्के चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी स्ट्रेटजी के, और वो आपको तभी समझ आएगा तब आप प्रैक्टिस करोगे स्ट्रेटजीज को. आपको पहले भी बताया है कि ये जो मार्केट है यहां पे आपको कोई अमीर बनाने के लिए नहीं बैठा है कि आप बहुत सारे पैसे कमाओगे. मैं तो फिलहाल नहीं बैठा हूं, मैं तो आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, मैं आपको यहां पे अमीर बनाने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं आपको चीजों को सिखाने के लिए बैठा हूं. क्योंकि आप पैसे लॉस करोगे, उससे अच्छा है ना चीजों को सीखो, उसके बाद एक सेटिस्फेक्शन रहता है हर एक चीज में. अगर आप लॉस भी करते हो तो आपने सीखा है. हमें सिग्नल मिल गया है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए और मैं 4 मिनट के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले रहा हूं. इस बार जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो है $100 की, ठीक है. और हमें डायरेक्शन देखोगे यहां पे हमें एक एरो मिला है ऊपर की तरफ, यानी ग्रीन कलर का एरो मिला है. जैसे ही हमें ये एरो मिला उसके बाद आप देखोगे हमें 3 कैंडल्स मिली हैं और 2 सेकंड का हमें एक विंडो मिला है. तो 2 सेकंड के विंडो का क्या मतलब है, जैसे ही आप 3 कैंडल्स यहां पे देखोगे ना, 1 2 3, तीनों कैंडल्स में एक कैंडल है रेड कलर की, 2 कैंडल है ग्रीन कलर की, जो मतलब ग्रीन में फिनिश हुई है. तो यहां पे मोस्ट प्रोबेबली मैं क्या कह सकता हूं कि हमारी इस स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर आपको तीनों कैंडल एक ही डायरेक्शन में मिलती है तो आपको जो सिग्नल मिलता है उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है. मतलब समझ गए आप, अगर आपको ग्रीन कलर का सिग्नल मिला है तो आपको ऊपर के लिए ट्रेड लेनी है, और अगर आपको रेड कलर का सिग्नल मिला है तो आपको नीचे के लिए ट्रेड लेनी है. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको क्या करना है, फिर उल्टे के लिए जाना है, मतलब फिर आपको चेंज हो जाना है. देखो मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे ये जो स्ट्रेटजी है ये मतलब वो है, रिपेंट है यार, मतलब चेंज होती रहेंगी. तो देखेंगे आप, पिछला जो एरो था वो मतलब हट गया है, इसका मतलब जो सिग्नल था वो फॉल्स सिग्नल था. ये एक ड्रॉबैक है स्ट्रेटजी का जो हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये ड्रॉबैक है. मतलब कुछ कमियां होती है ना स्ट्रेटजीज के अंदर, ये वो कमी है जो हम बदल नहीं सकते. लेकिन अगर हम जाए ना एक प्रॉपर तरीके से, देन हम यहां से अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी को यूज करके. क्योंकि यहां पे अगर हम 10 सिग्नल्स की बात करते हैं तो हर 10 सिग्नल्स में से आपको 8 सिग्नल्स जो है ट्रू सिग्नल्स मिलेंगे और 2 सिग्नल्स आपको फॉल्स सिग्नल्स मिलेंगे. फॉल्स मतलब ऐसे सिग्नल्स मिलेंगे जो अगर गलत होते हैं तो वो हट जाएगा,
एरो जो है वो अपने आप हट जाएगा। तो ये सिग्नल, ये जो ट्रेड है मोस्ट प्रोबेबली हम हारने वाले हैं। एंड देखते हैं नेक्स्ट जो है ट्रेड के लिए, यहाँ पे इस वाले चार्ट पे देखते हैं, क्या पता हमें कोई और सिग्नल मिल जाए रिसेंटली, देन हम जाएंगे जल्दी 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 जल्दी, नहीं लेट्स सी कि हमें कोई ऐसा सिग्नल मिल जाए जो जो रीसेंट हो। तो यहाँ पे जेड केस पे देखिएगा, इस वीडियो को ना बंद मत करना अभी, क्योंकि अभी हम एक और ट्रेड लेंगे। हालांकि मैं समझ चुका हूँ वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, देखो यहाँ पे हमें सिग्नल मिल चुका है और हमने सिग्नल मिस भी कर दिया है, ट्रस्ट मी। और इसीलिए मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम अब 2 मिनट्स करने वाला हूँ, और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो रहने वाली है $500। और अगर आप पीछे देखेंगे तो भाई वो $200 की ट्रेड हम लॉस में ही जा रहे हैं। अब मैं देखो, अब यहाँ पे मैंने 2 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों सेलेक्ट किया हुआ है, अब क्योंकि देखिए मोस्टली हर 3 कैंडल के बाद हम एक ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चौथी 3 कैंडल के बाद हमने चौथी कैंडल पे, यहाँ पे यानी 5वीं कैंडल पे हमने ट्रेड लिया है, ठीक है। मतलब तो हमने एक चीज़ मिस कर दी है, वो ये मिस कर दिया है 3 कैंडल के बाद जो हमें ट्रेड लेनी थी वो हमने ली है चौथी नहीं 5वीं कैंडल पे, यानी कि 2 मिनट का गैप दे दिया है। तो इसलिए मैंने वो 2 मिनट बीच में से स्किप कर दिया है, सिग्नल हमें मिला है अपवर्ड डायरेक्शन का, मैंने ट्रेड ली है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट जो 3 कैंडल अगर आप देखेंगे तो वो तीनों अलग अलग कलर की है, सेम कलर की नहीं है। और हमारी थ्योरी के हिसाब से अगर सेम कलर की नहीं बनती है तो हमें चेंज करनी पड़ती है डायरेक्शन, ठीक है। अभी लेट्स सी कि क्या होता है अगर हम पुरानी वाली स्ट्रेटजी के, पुरानी वाली ट्रेड के बारे में बात करते हैं। 27 सेकंड्स लेफ्ट, और मतलब ये तो भाई मुझे लगता है जाएगी हाथ से। लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ गाइज, ट्रेडिंग के अंदर ना कभी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट मत रखो हमेशा, मतलब कहने का मतलब है इन्वेस्टमेंट अपने अकाउंट में बड़ी रखो, विदाउट बिग इन्वेस्टमेंट आप यहाँ से सिर्फ लॉस ही करोगे। दूसरी चीज़, इन्वेस्टमेंट बड़ी रखो लेकिन हर एक ट्रेड जो आप प्लेस करते हो वो छोटी अमाउंट के साथ करो, उसमें आप इन्वेस्टमेंट अपनी बड़ी मत रखो। देखो लास्ट ट्रेड हम लॉस कर गए हैं, मतलब अगर आप एक ट्रेड प्लेस करते हो तो अगर आपके पास बहुत पैसे है ना अकाउंट के अंदर, बहुत ज़्यादा पैसे है, तब जाके आप अपनी मर्जी का कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कम है ना, तो आपको जो हर एक ट्रेड लेनी है ना वो एक मिनिमम स्टेप्स के साथ लेनी पड़ेंगी। आप बड़े स्टेप्स के साथ ट्रेड नहीं ले पाओगे, क्योंकि आप बड़े स्टेप्स के साथ लेने जाओगे, $100 का अकाउंट है, अगर आपने $80 की ट्रेड ले ली तो अगर आप विन कर जाओगे तो आप बहुत पैसा कमा लोगे, ट्रस्ट मी आप बहुत पैसा कमा लोगे। लेकिन अगर आप वो ट्रेड लॉस कर जाते हो देन यू विल गेट जीरो, आप सारा पैसा गवा दोगे। एंड आई डोंट वांट दैट। पहली वीडियो से एक ही चीज आपको समझाता हुआ आया हूं, अगर आप लॉस नहीं करना चाहते तो 2 स्टेप्स हैं, इन्वेस्टमेंट बड़ी रखो लेकिन ट्रेड के ऊपर मिनिमम इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल हमने इस स्ट्रेटजी की हेल्प से 5 ट्रेड ली हैं, और कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई जहाँ पे हम 2 ट्रेड लॉस कर गए और 3 विन कर गए। तो अगर मैं मार्टिकल्स पे भी नहीं जाऊँ ना, अभी तो मैंने मार्टिकल फॉलो किया है, बट अगर मैं मार्टिकल फॉलो नहीं भी करूँ तो भी आप एक एवरेज स्टेज पे रहोगे, एवरेज लेवल पे रहोगे, ना लॉस ना प्रॉफिट। मार्टिकल फॉलो करोगे तो आप प्रॉफिट में ज़रूर जाओगे। तो वही चीज़ है, मुझे लगता है वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना भाई, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक स्ट्रेटजी आप लोगों तक पहुँचाने के लिए, बहुत रातों की नींद लगती है भाई। तो यार भाई कर देना मेक श्योर, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड गाइस आप लोग वीडियो देखते हो, बहुत प्यार देते हो, थैंक यू सो मच। एंड वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड।